राहुल गांधी की बतौर कांग्रेस अध्यक्ष ताजपोशी के खिलाफ आवाज उठा रहे शहजाद पूनावाला की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। शहजाद की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक युवा नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए हो रही धांधली को सबके सामने उजागर कर दिया। ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में हो रही धांधली को सामने लाने वाले शहजाद महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता है। कांग्रेस ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, उन्हें कई सोशल मीडिया ग्रुप से बाहर कर दिया है, ये किस प्रकार की सहिष्णुता है। पीएम मोदी से तारीफ मिलने के बाद शहजाद पूनावाला ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया। शहजाद पूनावाला ने मोदी के ट्वीट के जवाब में लिखा, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ जंग लड़ता रहूंगा। मेरी आवाज को बंद करने की कोशिशों से मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। एक और ट्वीट में शहजाद ने लिखा, कांग्रेस में सरदार पटेल को उनका उचित स्थान नहीं मिला था। आज भी मैंने राहुल गांधी के दफ्तर से संपर्क किया ताकि मैं चुनाव में धांधली का सबूत दे सकूं, लेकिन उन्होंने सरदार पटेल जैसी मेरी भी बेइज्जती की। गौरतलब है कि शहजाद पूनावाला राहुल गांधी के अध्यक्ष चुने जाने को फिक्स बता रहे हैं। पूनावाला का कहना है कि पार्टी में पहले से ही राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना तय था और ये चुनाव नहीं केवल सिलेक्शन है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।